रायसेन में एनआरसी सीएए के विरोध में जुलूस निकाला गया। जुलूस रायसेन के वार्ड नंबर 18 चौपड़ा मोहल्ला से प्रारंभ हुआ। इस जुलूस में हजारों की संख्या में रायसेन और रायसेन के आसपास से सभी धर्मों के लोग इकट्ठा हुए। यह जुलूस रायसेन के चौपड़ा मोहल्ला से प्रारंभ होकर सागर तिराहे से होते हुए ग्राउंड में आकर समाप्त हुआ, जिसमें एनआरसी और सीए के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। संविधान की मूल भावना के विपरीत है। संविधान में जो अनुच्छेद 14 है उसके तहत कोई भी राज्य, क्योंकि संविधान में हमारे स्टेट लिखा हुआ है, वो इक्वालिटी पे चर्चा करता है, समता पे करता है, समानता पे करता है, इसके विपरीत है। और जो ये कह रहे हैं, यदि ये सच्चे हैं तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है केंद्र सरकार ने, उसमें धार्मिक रूप से प्रताड़ना, जो उन्होंने संसद में कहा था कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को हम बुलाएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, जिसमें मुसलमान को छोड़ के बाकी लोग रहेंगे, तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो अधिसूचना जारी हुई है, उसमें धार्मिक शब्द जोड़ा ही नहीं है। तो ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये और एनपीआर का विरोध पूरे देश में हो रहा है। भोपाल में सत्याग्रह के नाम से पूरी टीम विरोध दर्ज कर रही है। सीए का जो ये लागू कर चुके हैं उसका विरोध कर रहे हैं, और एनआरसी का और एनपीआर का पूरी टीम पूरे मध्य प्रदेश में। हम चाहते हैं कि इस कानून का विरोध हो और ये माननीय मोदी जी और अमित शाह इस काले कानून को वापस लें, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ